एक स्त्री है तो जो बच्चा है उसको अपनी मां की नजर से देखता है, जो उसका पति है उसको अपने पत्नी के रूप में देखता है, जो उसके माता पिता हैं उसे अपने अपनी बच्ची के रूप में देखते हैं, अपनी लड़की के रूप में देखते हैं, अपनी बेटी के रूप में देखते हैं। और जो कामी पुरुष है भोग की नजर से देखता है कि भोग की वस्तु है। और एक सियार जो है, एक कुत्ता जो है, एक मांस के लोथड़े के रूप में देखता है, मांस के टुकड़े के रूप में देखता है। और वो सोचता है कब ये मरे तो मैं इसकी इसके शरीर की दावत उड़ाऊं। तो लोगों का जो नजरिया है अलग अलग प्रकार का होता है, व्यक्ति एक ही है लेकिन देखने की दृष्टि लोगों की अलग अलग प्रकार की है। इसी तरह इस जीव इस संसार में सभी जीव जो है भगवान की संतान है, लेकिन देखने की जो दृष्टि है लोगों की अलग अलग तरह की होती है। कोई उसको भोजन के रूप में देखता है, जैसे आजकल कलयुग के प्रभाव से बहुत ज़्यादा कसाई घर चलाए जाते हैं और निरीह पशुओं की उसमें हत्या की जाती है। तो सोचिए कोई उस जीव को भोजन के रूप में देख रहा है। कोई लोग गाय की पूजा करते हैं, कई लोग उसे वध करते हैं। तो लोगों की विभिन्न प्रकार की देखने की स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार उन्हें भगवान नजर आते हैं। जो सभी जीवों से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है और किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता, भगवान उसके सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। जो सभी से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, सभी जीवों को कष्ट पहुंचाता है, भगवान उसको निरंतर विभिन्न प्रकार की आसुरी योनियों में भेजते रहते हैं, जिससे कभी भी वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता। प्रभा जी समझाते थे कि एक माता पिता की दो संतान है, एक बहुत बुद्धिमान है, बड़ी संतान जो है बहुत बुद्धिमान है, और दूसरी जो छोटी संतान है बुद्धिमान नहीं है, कम बुद्धि है, पागल की तरह है, ठीक से काम नहीं कर सकती। तो इसका ये अधिकार नहीं है कि जो बड़ा वाला भाई है अपने छोटे वाले भाई की हत्या कर दे, उसको ये अधिकार नहीं दिया जाता। दोनों ही एक ही बाप की औलाद है, एक ही बाप की संतान है। तो बड़े भाई को ये हक नहीं है कि मेरा छोटा भाई बुद्धिमान नहीं है तो मैं अपने छोटे भाई को हत्या कर दूं। इसी तरह इस संसार में सभी जीव जो है भगवान की संतान है। कोई कम बुद्धिमान है, कोई ज्यादा बुद्धिमान है, और सभी को भगवान ने आंख दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सभी को भगवान ने खाने पीने का इंतजाम किया है, यहाँ पर सभी को रहने की सुविधा दी है। लेकिन इस संसार में क्या होता है, जो ज्यादा बुद्धिमान है, जो मनुष्य योनि को भगवान ने जिसे दिया है वो ज्यादा बुद्धिमान है, तो क्या करता है, जो कम बुद्धिमान उसके भाई हैं उनकी हत्या कर देता है। और हत्या कर देता है फिर उसको क्या करता है, अपने परिवार वालों में मिल बांट कर खा लेता है। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो पिता जो है इस बात से कभी भी खुश नहीं होगा। अगर बड़ा भाई सोचे कि मैं अपने पुत्र छोटे भाई को वध कर दूं और मेरा पिता मुझसे प्रसन्न रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। इसीलिए इस संसार में लोग दुखी हैं। लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख, एक के बाद एक दुख आते रहते हैं, क्योंकि वो प्रेम करना नहीं जानते। वो प्रेम करना जानते हैं सिर्फ अपनी पत्नी से, सिर्फ अपने बच्चे से, सिर्फ अपने कुत्ते से, सबसे प्रेम करना नहीं जानते। इसीलिए वो संसार में दुखी हैं। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोग दुकान पे जाते हैं, चिकन खरीदते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता जिस मांस को उनका बच्चा खा रहा है, उस जिस शरीर का वो मांस है, जब उसको कत्ल किया गया था तो उसको बहुत वेदना हुई थी, बहुत तकलीफ सहनी पड़ी थी। जब शरीर हमको जब चींटी काटती है किसी मनुष्य को तो कितना दर्द होता है। उसी तरह इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, अगर उनको तकलीफ देकर
अपने परिवार का उनके मांस से अगर मनुष्य भरण पोषण करता है तो कभी भी संसार में सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जिस मांस को उसने खाया है उसके साथ वो दर्द भी उसके पेट में गया है। उस पशु की जो वेदना है, जो जो तकलीफ है, वो भी उसके साथ जाती है। और इसी कारण जो है भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते, और मनुष्य जो है कभी भी भगवान को समझ नहीं पाता। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी 84 लाख योनियों में घूमने के बाद एक बार अवसर मिलता है मनुष्य को, जिसमें उसे चांस दिया जाता है तुम इस जीवन में भगवान को समझ सकते हो, तुम इस जीवन में अपने आप को समझ सकते हो। लेकिन इस जीवन का मनुष्य उपयोग क्या करता है? भगवान आंख देते हैं तो आंखों का उपयोग सिनेमा देखने के लिए करता है। भगवान पैर दिए हैं तो इस पैर का उपयोग दारू की दुकान पर जाने के लिए करता है। भगवान ने हाथ दिए हैं तो हाथों से पता नहीं क्या क्या प्रकार के कार्य करता है। भगवान ने 6 इंद्रियां दी हैं, सभी 6 इंद्रियों का दुरुपयोग करता है मनुष्य। फिर भगवान से उम्मीद रखता है कि भगवान हमारी मदद करेंगे, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मैं इतना दुखी क्यों हूं? इसलिए दुखी है क्योंकि अपनी इंद्रियों का उसने सही से उपयोग नहीं किया, भगवान की सेवा में नहीं लगाया, इसलिए दुखी है। अगर सभी जीवों से हम प्रेम करना सीख जाएं और अगर हमारी तरफ से किसी को भी तकलीफ न पहुंचे, अगर शुद्ध भक्ति के मार्ग पर के विधि विधानों को पालन किया जाए तो मनुष्य सुखी रह सकता है। लेकिन कब दुखी होता है? जब भगवान के बनाए हुए नियम को तोड़ता है। इस संसार में सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो मनुष्य कब सरकार द्वारा दंडित किया जाता है? जब सरकार के बनाए हुए विधान को, संविधान को तोड़ता है तो सरकार उसे बंदी बना लेती है, जेल में डाल देती है। इसी तरह ये संसार है, भगवान ने यहां पे जब भेजा है तो यहां पे नियम भी बनाए हैं। जब मनुष्य इस नियम को तोड़ता है तो भगवान उसे विभिन्न प्रकार के प्रकृति द्वारा दुख प्रदान करवाते हैं, और मनुष्य अनेकानेक उपाय करता है अपने आप को सुखी रखने के लिए, बहुत प्रयास करता है। लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा, रोग, 4 प्रकार के दुख उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। जब तक जिंदा रहता है परिवार वालों के लिए खूब कमाता है, गधे जैसा मेहनत करता है, भगवान का भजन नहीं करता, बहुत ऐश करता है, बुढ़ापे में फिर इतना दर्द होता है उसे